हमीरपुर पहुंचे वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कोरोना बीमारी पर हो रही बयानबाजी पर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। राकेश पठानिया ने कांग्रेस से पूछा है कि कोरोना कांग्रेस लाई है या भाजपा, और इससे छोटापन कभी नहीं हो सकता है कि कोरोना को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हर जिला पर एक मंत्री की कोविड केयर ड्यूटी के तहत वन मंत्री राकेश पठानिया ने हमीरपुर पहुंचकर उपायुक्त एसपी सीएमओ सहित जिला हमीरपुर के आला अधिकारियों के साथ आईपीएच रेस्ट हाउस में फीडबैक ली है। वहीं सरकार के शनिवार को वर्क फ्रॉम होम निर्णय को कोरोना चेन ब्रेकिंग करार देते हुए पठानिया ने कहा कि इससे कोरोना की चेन टूटेगी। पठानिया ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि अग्निहोत्री गला फाड़ कर कोरोना का दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना का कभी किसी को तजुर्बा नहीं था, और जब विधानसभा सत्र में कांग्रेस को कोरोना पर धारा 67 के तहत बात रखने को कहा गया था तो विपक्ष कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन अब फिजूल में बयानबाजी करने में विपक्ष जुटा हुआ है। क्या कोरोना कांग्रेस लाई है भाजपा लाई? कांग्रेस का या भाजपा का, विपक्ष का इससे छोटापन कुछ नहीं हो सकता जो कोरोना को लेकर राजनीति कर रही है। इसका किसी को, क्या किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी सरकार को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का कोई तजर्बा था जो आज मुकेश अग्निहोत्री गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया इसका हो गया। जब 67 के अंदर हमने उनको 3 दिन की बहस दी, तब तो विधानसभा में किसी से बोला नहीं गया, तब तो अंदर कोई बोल नहीं पाया, क्यों ठाकुर साहब? और 3 दिन के बाद धराशायी हुए, कोई किसी बात का जवाब नहीं था और एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तू पहले बोल, तू पहले बोल। ये हाल था इनका विधानसभा के अंदर। केवल बाहर प्रेस में आगे स्टेटमेंट देंगे। देखो भाइयों, बड़ी क्लियर बात है, ये एक ऐसा एक महाकाल है, एक ऐसा पैनडेमिक है जिस वायरस का स्टेन का नहीं पता चल रहा। और उम्मीद है, आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि एक वैक्सीन बहुत जल्द इस देश को मिलने वाली है, तो हमें उम्मीद लग रहा है कि इस अंधेरी टनल की कोई लाइट हमें नजर आना भी शुरू हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई वैक्सीनेशन इसकी आ जाएगी। पठानिया ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कांग्रेस को विधायकों से भी बात करके हल निकालने के लिए बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की लड़ाई के लिए सभी को एक साथ होकर मिलकर चलना होगा और राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना में सबसे बेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसे पहले अब एक मंत्री हर जिले में क्यों बैठा है? इसलिए बैठा है कि हम बार बार ये बैठ के कर रहे हैं, हम 4 दिन से ऑनलाइन हैं, एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सैकड़ों पेशेंट से तो हमीरपुर में मैं खुद बात कर चुका हूँ, जिनसे हमने बात की है, जो क्वारंटीन हैं जिनसे बात करें। हमारी टीम लगभग हर पेशेंट से रोज़ बात कर रही है। हमने कांग्रेस के विधायकों को भी कॉन्फ्रेंस में लिया, आज मैंने सबको फ़ोन किया, आज मैंने सुखविंदर सुक्खू को भी फ़ोन किया, लखनपाल जी को भी फ़ोन किया, राजेंद्र राणा जी को भी फ़ोन किया। इसमें कोई राजनीति थोड़ा नहीं, मैंने आज सबको इनवाइट किया। अगर आप लोग राजनीति से ऊपर हो तो आ जाइए ना, यहाँ कोई हम भाजपा की स्ट्रेटजी थोड़ा नहीं बना रहे, हम तो कोविड की लड़ाई की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो इस मेरा कहने का मतलब है कि हम इसको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाह रहे। केवल सरकार एक लड़ाई लड़ रही है और बड़े ईमानदारी से ही लड़ाई लड़ रही है, और हम सब कुछ जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम ये मेडिकल कॉलेज का विजिट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पेशेंट्स को रखा गया उसको हम वहाँ विजिट करने वाले हैं। देखिए, पेशेंट्स को सुविधा गर्म पानी की है कि नहीं है, गर्म खाना है कि नहीं है, उनका अटेंडेंट कॉल पे है कि नहीं है, उसको सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रखा गया कि नहीं रखा गया, ये सब कुछ हम कर रहे हैं हमीरपुर का। कोविड-19 की बीमारी से मरने वालों के मामलों पर राकेश पठानिया ने कहा कि लापरवाही बरतने पर ही कोविड-19 के मरीजों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि घरों में लोग बीमार पड़ने पर निजी क्लिनिकों में इलाज करवा रहे हैं और स्थिति गंभीर होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां ऐसी स्थिति से बचना मुश्किल हो रहा है। मीरपुर में जो कुछ एक दो केसेस आए हैं, जो अपने आप जो लोगों ने लापरवाही की है, और लोग इस बात से रहते हैं कि छोटे मोटे जो बैद होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं, जो डॉक्टर, उनसे ज़्यादा स्टीरॉइड्स खा लेते हैं, ज़्यादा उनसे कहते हैं कि हम घर में ठीक हो जाएंगे, कि इसका डर तो नहीं। जब वो केस घर में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, लाभ जब वो एंड स्टेज में आता है, जब सैचुएशन 50 से नीचे चली गई होती है, उस केसेस में आके उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, कि आप हमें हेल्प करिए, हमारे कोऑपरेट करिएगा, इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाने में हमारी मदद करिएगा, ताकि हम लोगों को बता पाएं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तुरंत आगे आप रिपोर्ट करिएगा,
अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के लिए सीधा आगे डॉक्टर्स को मिलेगा, ये छोटे मोटे वैद्यों के पास जाना शुरू कर देंगे, क्वैक्स के पास जाना शुरू कर देंगे, तो आपका जब केस खराब हो जाएगा तब वो हमारे पास आता है। ये लड़ाई हम राजनीति से बहुत ऊपर उठ के लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसमें विपक्ष को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि लोग इसमें कोऑपरेट करें। शादियों में आप जाके देखिएगा क्या हाल है, 50 की अनुमति है, 500 आदमी आ रहा है, मास्क कोई पहनता नहीं है, किसी को डर ही नहीं है। अब बीमार भी हम ही लोग हो रहे हैं ना, मर भी हम ही लोग रहे हैं, अगर हम लोग अपने आप में जागरूकता नहीं करेंगे तो हमें ठीक कौन करेगा। वहीं 5-day week के फैसले को सही ठहराते हुए राकेश पठानी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कम से कम लोग इकट्ठे हों इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी चाय नाश्ता इत्यादि इकट्ठे करते हैं, इससे भी संक्रमण का खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। कि बेसिकली 5-day week का आइडिया ये है कि चेन को ब्रेक किया जाए, लोग दफ्तरों में रश ना करें, लोग ज़्यादा इकट्ठे होकर ना बैठें। अब दोपहर को धूप लगती है, 20-25 लोग इकट्ठे चाय पीने बैठ जाते हैं, रोटी खाने बाहर लंच इकट्ठा पूल कर लेते हैं, अपना अपना लंच बॉक्स लेके बाहर आते हैं, मास्क कोई पहनता नहीं। अब नेचुरली रोटी खाने तो मास्क कौन पहनेगा, तो फिर वो 20-25-30 लोग इकट्ठे बैठे हैं। हम चाह रहे हैं कि कम से कम लोग इकट्ठा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और जब तक हम लोग इस बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, तब तक इस कोविड की लड़ाई को कोई नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई को हमको और आपको ही लड़ना पड़ेगा।